एसडीएम ने फरियादी को ही बना दिया मुर्गा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो आनन फानन में एसडीएम को हटाया गया। ये एसडीएम है उदित पवार, ये बरेली के मीरगंज के एसडीएम हैं। इनके पास गए थे मंडनपुर गांव के लोग, उनकी कुछ समस्या थी। समस्या ये थी कि उनकी शमशान की भूमि पर किसी ने कब्जा कर लिया था दूसरे समुदाय के लोगों ने। तो जब इनके पास गए तो इन्होंने, इनको इतना हर्ट हो गया अपने जो पद के घमंड में, इनको इतना नशा है, इन्होंने फरियादी को मुर्गा बना दिया, बाकी सबको डांटा डपटा। फरियादी का नाम पप्पू है, उसने बताया जो ही हमने बात करनी शुरू की तो इन्होंने मुझको मुर्गा बनने को कहा। तो इसी बीच किसी ने वीडियो बना लिया। अब एसडीएम का कहना है, ये उदित पवार साहब का, कि वो फरियादी आते ही मुर्गा बन गया, मैंने नहीं कहा था मुर्गा बनने को। तो ऐसे ऐसे तर्क देते हैं ये लोग। तो ऐसा है कि ये जो होता है ना पद का घमंड बहुत बुरा होता है। और ये अभी नवागत एसडीएम बताए जा रहे हैं उदित पवार, तो इन्होंने जो है इनको हटा करके अब जिला मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। जांच चल रही है, जांच में लीपापोती हो जाएगी या जो भी होगा। बाकी ऐसे लोगों का जो वीडियो है सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है और इनकी खूब आलोचना भी हो रही सोशल मीडिया पे। और बड़ा इन्होंने हास्यास्पद तर्क दिया है कि फरियादी आए और उन्होंने खुद ही वो मुर्गा बन गए हमारे सामने और वीडियो बना लिया। तो ऐसे ही बताते हैं कि हमसे कोई दुश्मनी थी। तो ऐसा ही आजकल रवैया है, ये जो अधिकारी हो जाते हैं पढ़े लिखे, इनमें नैतिकता नाम की चीज नहीं है। तो सभी ऐसे नहीं है लेकिन कुछ लोगों का आता है। अभी ज्योति मौर्य का केस वायरल हो गया था, अब ये एक एसडीएम उदित पवार, इन्होंने भी अपनी कुर्सी को जो है अपने कर्मों से दैदीप्यमान कर दिया है।